सभी सनातन प्रेमियों को मेरी ओर से नमस्कार, जय श्री राम। कहते हैं मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसी प्रकार का फल उसे प्राप्त होता है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करे तो अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कर्म करे तो बुरे फल। मतलब हमारे द्वारा किए गए शुभ कर्म और पाप कर्म उसी का फल शनिदेव हमें देते हैं, इसीलिए शनिदेव को न्यायाधीश का दर्जा भी प्राप्त है। प्रिय दर्शकों, मैं पवन गैरोला एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन पथ पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं सनातन धर्म से जुड़ी समस्त जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो मैं आज एक नया विषय लेकर आया हूं। मैं आज बात करूंगा शनि ग्रह के विषय में। क्यों? शनि ग्रह का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। क्या सच में शनि ग्रह इतने अशुभ ग्रह माने गए हैं? इन सब की जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा कि शनि ग्रह अगर कुंडली में शुभ अवस्था में हो तो क्या फल देंगे और अगर अशुभ अवस्था में हो तो क्या फल करेंगे, और साथ में ऐसे कुछ उपाय बताऊंगा जिसके करने से आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि शनि ग्रह की कौन सी अपनी राशि है, कौन सी राशियों का स्वामित्व शनि ग्रह को प्राप्त है। तो मकर और कुंभ राशि का स्वामित्व शनि ग्रह को प्राप्त है, तथा तुला राशि में जब शनि बैठते हैं तो उच्च के हो जाते हैं और वहीं अगर मेष राशि में शनि बैठे तो नीच के कहलाते हैं। तो शनि ग्रह हमारे कर्मों के फल हमें देते हैं। जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं उसी प्रकार का फल हमें शनिदेव देते हैं। शनि की दशा में सर्वप्रथम सबसे पहले ध्यान रखें अपने कर्मों पर। कर्म अच्छे हों तो फल भी अच्छा मिलेगा। इसीलिए जब भी शनि की दशा आए तो शनि की दशा में पाप कर्म ना करें, सत्कर्मों में अपनी रुचि रखें, किसी का दिल ना दुखाएं, कुछ संगति से बचें, किसी के लिए मन से भी जो है बुरा ना सोचें। अगर इन सब गुणों को आप अपने अंदर धारण करते हैं तो शनि ग्रह आपको अवश्य शुभ फल प्रदान करेंगे। तो आइए जानते हैं कि शनि ग्रह अगर कुंडली में शुभ अवस्था में हो तो क्या फल प्रदान करेंगे। शनि ग्रह के शुभ होने पर व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि, बल एवं वैभव आदि को प्राप्त करता है। उसे स्थायी संपत्ति का लाभ होता है, व्यवसाय में उसे सफलता प्राप्त होती है, तथा जो भी वह कार्य करता है उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है। कोर्ट कचहरियों के मामले में उसे विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार के फल शनि ग्रह शुभ अवस्था में प्रदान करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि शनि अगर अशुभ अवस्था में हो तो क्या फल करेंगे। सूर्य पुत्र शनि, जिस व्यक्ति पर शनि की कोप दृष्टि पड़ती है उस व्यक्ति को अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कार्यों में रुकावटें, बुद्धि को भ्रमित करना, शत्रुओं से घिर जाना, अनेकों प्रकार की बीमारियां होना, दुखों से घिरे रहना, नीच लोगों का संग करना, यह सब शनि के अशुभ होने से होते हैं। कुंडली में शनि के कमजोर होने पर व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। व्यक्ति झूठ अधिक बोलने लगता है और यही स्वभाव वह अपना बना लेता है। व्यक्ति नास्तिक प्रवृत्ति का हो जाता है और कोई ऐसी बीमारी जो कि लंबे समय तक चले, यह सब भी शनि के अशुभ होने के कारण होती हैं। शनि के अशुभ होने के कारण अनेकों रोग मनुष्य को हो जाते हैं। पैरों का दुखना, जोड़ तथा घुटनों में दर्द रहना, नसों संबंधित रोग, नाड़ियों संबंधित रोग होना और दांतों के भी रोग शनिदेव के अशुभ हो जाने के कारण होते हैं। तो इस प्रकार के फल शनिदेव अशुभ अवस्था में देते हैं। अगर आप सबको भी शनि ग्रह की दशा पर इस प्रकार के कष्ट हो रहे हैं तो आपको भी शनिदेव के उपाय अवश्य करने चाहिए। शनि ग्रह हमारे नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए शनि का प्रबल होना कुंडली में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में भी शनि ग्रह अशुभ स्थिति में है तो आप भी इन प्रयोगों को कर शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे उपाय आपको बता रहा हूँ जिनको आप खुद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह उपाय। शनि ग्रह के दोष के निवारण के लिए आप शनिवार का व्रत कर सकते हैं, या शनिवार को सूर्यास्त के बाद हनुमान मंदिर जाकर सिंदूर, लाल पुष्प और तिल के तेल का दीपक जो है हनुमान जी के आगे जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, तथा 5 या 7 शनिवार को यह प्रयोग करें। इसके करने से भी शनि ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करेंगे।
प्रत्येक शनिवार को सूर्योदय से पहले या सूर्य अस्त के बाद किसी पीपल वृक्ष में चारों तरफ सात परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत लपेट लें। सूत लपेटते हुए भगवान शनि ग्रह के किसी भी मंत्र का आप जाप करें। उसके बाद शुद्ध जल पीपल वृक्ष में चढ़ाएं और धूप आदि से दीप आदि से जो है पीपल का पूजन करें। इस प्रयोग को करने से भी शनि ग्रह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शनिवार को तेल से चुपड़ी हुई रोटी लेकर उसमें गुलाब जामुन रखकर कुत्तों को खिलाएं। इसके करने से भी शनि ग्रह प्रसन्न होते हैं। कौवों को मीठी रोटी खिलाने से भी शनि ग्रह शुभ फल देते हैं। शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए शनि ग्रह की बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शनिश्राय नमः इस मंत्र का जाप या फिर आप शनि स्त्रोत्र का पाठ भी कर सकते हैं या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप भी आप यथाशक्ति कर सकते हैं। शनिवार को काली रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। छाया पात्र भी आप शनिवार को दान कर सकते हैं या फिर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शमी के वृक्ष का पूजन भी आप कर सकते हैं। गरीब असहाय और विकलांग लोगों की मदद अवश्य करें। किसी के साथ धोखा ना करें और मांस मदिरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन लोहे की बनी वस्तुओं का प्रयोग कम करें और लोहे की खरीदारी भी शनिवार को ना करें। शनि के अशुभ होने पर बासी भोजन खराब खाद्य पदार्थ कदापि ना खाएं। ऐसा करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव और बढ़ जाते हैं। तो दर्शकों, इन उपायों को कर हम शनि देव के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। बस ध्यान रखें कि अपने कर्म अच्छे रखें। जैसा आप कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको फल भी मिलेगा। यह सब जानकारी मैंने आपको आज शनि ग्रह के विषय में दी। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मैं आज इस विषय को यहीं पर विराम देता हूँ। पुनः कोई नया विषय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।